इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां एक अधिकारी पर हमला हुआ। नाम है इनका अरविंद सिंह। तो अधिकारी का नाम अरविंद सिंह, अरविंद सिंह गया में तैनात। आरोप यह है कि अधिकारी पटना में अपने आवास पर जा रहे थे और उसी दौरान 15-20 लोगों ने अरविंद सिंह को घेरकर उन पर हमला किया। ये घटना पटना के बोरिंग रोड की है। जख्मी अधिकारी को इलाज के लिए अब दिल्ली ले जाया जा रहा है। गोलाड़ो से जा रहे थे हम लोग बोरिंग रोड गए, तब तक ये बोल रहा था कि मेरा नाम तनु यादव है। उसने गाड़ी पर हमला कर दिया और छीन छान किया और मार दिया। किस गाड़ी से आप लोग जा रहे थे? स्कॉर्पियो से। कब की बात है ये? कल 9:20 का सुबह में या शाम में? शाम में। आप लोग बोरिंग रोड जा रहे थे, रास्ते में हाँ। कौन रोक के आपके आपके साथ मारपीट किया? तनुज यादव। तनुज? हाँ, नागेंद्र यादव का लड़का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार के सब आपको फोड़ दिया। क्यों मारा? स्पाइकर था वो, तो पी लिया था और गाड़ी रोक लिया और चाबी मांग रहा था गाड़ी का। तब वो बोले, अरविंद कुमार सिंह बोले, कागज के लिए रोक रहा है, तब तक मुझ पर हमला कर दिया। रॉड से सब कुछ दिया था उसने। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। पहले तो शशांक ये बताइए कि हालत कैसी है अब इन अधिकारी अरविंद सिंह की, और क्या जानकारी मिल पा रही है? यहाँ तो नाम ले रहे हैं बाकायदा चश्मदीद, मतलब शिनाख्त हो गई है हमलावरों की, कुछ कार्रवाई एक्शन? जी देखिए, उनको रेल एम्बुलेंस से अरविंद को दिल्ली ले जाया गया है। अभी गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं। हमला जो है वो तनुज यादव नाम के लड़के ने किया है। परिजनों ने एफआईआर के लिए जो एक लिखित आवेदन दिया है उसमें भी तनुज यादव का नाम है, आरोप उस पर लगाया गया, और पिता का नाम नगेंद्र यादव बताया गया है। तो तनुज यादव को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। परिजनों का कहना है कि ये लोग गाड़ी छीनने आए थे और नशे की हालत में थे, तो पुलिस जो है आगे की जाँच कर रही है। इसमें एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है, जो हमलावर है जिस पर आरोप लग रहा है वो रिश्ते में पोता बताया जा रहा है एक बड़े नेता का, तो किस नेता का पोता है इसकी जांच भी जो है वो पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सियासी एंगल भी अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो अधिकारी हैं अरविंद सिंह, उनको रेल एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है इलाज के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।